পেট্রাপোল বন্দরে মৈত্রী গেট এবং প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল উদ্বোধন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার দুপুরে পেট্রাপোল বন্দরে এসে পৌঁছান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। প্রথমে তিনি অত্যাধুনিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনালের উদ্বোধন করেন এবং টার্মিনালের ভেতরে ঘুরে দেখেন। পরবর্তীতে তিনি দ্বিতীয় কর্মসূচিতে মৈত্রী গেটের উদ্বোধন করেন। মৈত্রী গেটের উদ্বোধন শেষে পেট্রাপোল বন্দরে অস্থায়ী মঞ্চে বক্তব্য রাখেন অমিত শাহ। 18 মিনিটের বক্তব্যে তিনি পেট্রাপোলে এই নবনির্মিত প্যাসেঞ্জার টার্মিনালে যাত্রীরা যে সমস্ত অত্যাধুনিক সুবিধা পাবেন সেই কথা বলেন এবং মৈত্রী গেট উদ্বোধন হওয়ায় দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়বে বলেও তিনি বলেন। আগামী দিনে পেট্রাপোল বন্দরে আরো উন্নয়ন হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, কেন্দ্র সরকারের অনেক প্রকল্পের সুবিধা থেকে বাংলার মানুষ বঞ্চিত হয়। 2026 সালে বিজেপি সরকার আসলে তাহলে কেন্দ্র সরকারের সমস্ত সুবিধা পাবে। একই সঙ্গে তিনি অনুপ্রবেশ নিয়ে সুর চড়ান। তিনি বলেন, 2026 সালে বিজেপি সরকারকে আনুন, অনুপ্রবেশ বন্ধ করে দেবে, শান্তি ফিরবে বাংলায়, সোনার বাংলা হবে এই বাংলা। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, क्या आवाज को हो गया आपकी, ऐसी आवाज होती है क्या? कलकत्ते तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए मेरे साथ, अंत तक सभी लोग हाथ उठाए जरा। मुट्ठी बीच कर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित श्रीमान शांतनु ठाकुर जी, अरे जोर से ताली बजाओ शांतनु जी के लिए। मंत्रिपरिषद में मेरे साथी और बंगाल के दिग्गज नेता, हमारे गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, सचिव सीमा प्रबंधन डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, आदित्य मिश्रा जी, अध्यक्ष LPAI श्री दर्जिल सिंह चौधरी जी, सीमा सुरक्षा बल के DGP सुश्री पौसुमी बसु, संयुक्त सचिव भारत सरकार, और आज भारत के अंतिम बिंदु पर यहां पर आए हुए बंगाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं। सबसे पहले आज बंगाल के महान सपूत और जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा बलिदान और योगदान दिया, ऐसे जतिन दास जी का जन्मदिन है। मैं मन से जतिन दास जी के प्रति पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, यात्री टर्मिनल और मैत्री द्वार तीनों का उद्घाटन हुआ। देखने में तो ये बहुत छोटी चीज है, परंतु ये परिचायक है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से हर क्षेत्र के अंदर अपने दृष्टिकोण और अपनी दूरदर्शिता से प्राण फूंकते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री जी बनने के बाद मोदी जी ने हर क्षेत्र में कई नई शुरुआत की, आरोग्य में की। इसके कारण हर एक व्यक्ति को 5 लाख तक का सबको फायदा मुफ्त मिल रहा है। बंगाल वालों को थोड़ी कसक है, मगर चिंता मत करिए, 26 के चुनाव के बाद भाजपा सरकार आते ही आप सभी को भी मिल। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति लेकर आए,
आंतरिक सुरक्षा, देश की सीमाओं की रक्षा और खेल, हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने अनेक नई शुरुआतें की। न केवल शुरुआतें की, उसको लॉजिकल एंड तक, अंत तक पहुंचाकर सफलता में परिवर्तित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज भारतीय लैंड पोर्ट अथॉरिटी, एक देखने में शुष्क टाइप का डिपार्टमेंट, वो देश के विकास के अंदर हमारे पड़ोसियों के से संबंध को बेहतर बनाने के अंदर भाषा, संस्कृति और साहित्य के बेहतर आदान प्रदान के अंदर कितना बड़ा योगदान कर सकता है, इसका उदाहरण हमारे लैंड पोर्ट अथॉरिटी का ये 10 साल में जो विकास हुआ है। ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी मोदी जी के नेतृत्व में 4P के सूत्रों पर काम कर रही है। प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप और प्रोग्रेस। इससे इस क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के प्रॉस्पेरिटी के अंदर भी बड़ा बदलाव आने वाला है। मैं यहां जब देख रहा था, 10,000 लोग तो आज ही आवाजाही कर सकते हैं और 10,000 लोगों की और सुविधा बनाकर रखी, तो मैंने शांतनु जी को पूछा कितने सारे लोग आते हैं, तो उन्होंने कहा साहब कम से कम 5,000 से 6,000 लोग बांग्लादेश से इलाज करने के लिए कल्याणी एम्स में हर रोज आते हैं और इससे हमारे क्षेत्र की रोजगारी में बड़ा बढ़ावा होता है। यहां पर शांति की स्थापना में भी ये लैंड पोर्ट अथॉरिटी का इनिशिएटिव बहुत बड़ा योगदान। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं, वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचा। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए, इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेंगे। और शांति बंगाल में तभी हो सकती है जब एक घुसपैठ रुक जाए। पार्टनरशिप भी इससे बढ़ेगी। बांग्लादेश और भारत, भूटान और भारत, नेपाल और भारत, म्यांमार और भारत, ये सभी हमारे सीमा पर बसे हमारे देशों के साथ संस्कृति, भाषा, कल्चर, ये सबका आदान प्रदान बढ़ेगा और एक प्रकार से नया पार्टनरशिप का युग शुरू होगा। और प्रोग्रेस की दृष्टि से भी दोनों देशों के बीच में कई सारे इनिशिएटिव इससे संवाद से संपर्क